नमस्कार दोस्तों, NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय हम रामगढ़ विधानसभा के दौरे करा रहे हैं। और जिन गांवों के अंदर बड़ी समस्याएं हैं, मीडिया नहीं आता है, ऐसे गांव ढाणी के अंदर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर दिवाली का त्यौहार है और मेरे साथ यहां पर जो लोग मौजूद है, हम उन सभी से बात करेंगे कि यहां की जो गाँव है वो किस तरह से पिछड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ से अभी तक कोई मुझे सरकारी बस वगैरह कुछ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर एक भाई साहब बाइक रिपेयर कर रहे हैं। नाम क्या है भाई अपना? संदीप सोनी आरएसएस। क्या नाम है? संदीप सोनी आरएसएस। संदीप सोनी आरएसएस से जुड़े हुए? गौरव। कब से जुड़े हुए आरएसएस से? मुझे होगी 20 साल। गौरव सदर से सीआईडी ऑफिसर हूँ। आप हैं? हाँ जी। अच्छा, कार्ड बना हुआ है आपका? बिल्कुल। एक बात बताओ, कैसे बनता है कार्ड? कार्ड साहब अपने सीआईडी का कार्ड कैसे बनता है? सीआईडी कार्ड बनते हैं ये अपने जो अपने हेड ऑफिसर रहते हैं, गौरव सदर वाले हेड इंचार्ज रहते हैं, वह बनाते हैं इन कार्डों को। लीगल होते हैं या इलीगल होते हैं कार्ड? नहीं, ये परमानेंट होते हैं। तो आपका काम तो केवल इन्फॉर्मेशन देना होता है कि यहाँ से ये दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि संघ में चलना पड़ता है हमको। संघ में चलना पड़ता है। संघ की क्लास वगैरह ली थी आपने? बिल्कुल। कैसे लेते हैं आरएसएस की? अगर मान लीजिए मुझे ज्वाइन करनी है आरएसएस, तो आरएसएस में मैं कैसे ज्वाइन करूंगा? पहले 21 दिन का होता, 8 दिन का होता। क्या होता है वो? शिविर लगता है। शिविर लगता है, फिर उसके बाद 21 दिन का लगा जाता है। पहले 8 दिन का, फिर 21 दिन का, फिर उसके बाद 3 महीने का कोर्स होता है। अच्छा। उसके बाद जो ऊपर करोगे तो आपके ऊपर सिखाया क्या क्या जाता है उस दौरान? इसमें सब चीज सिखाई जाती है। जैसे जैसे लाठी है, डंड है, अपने अकेला है तो 3 आदमी किस तरीके से करा जाता है, बचाव करना इस तरह का। अच्छा, शिक्षा वगैरह भी दी जाती है किसी तरह? बिल्कुल सब। किस तरह की शिक्षा दी जाती है? कुछ भी जैसे है, कन्फर्म जैसे आप मुझे पकड़ रहे हो, 4 आदमी हो तो भाई वो तो लड़ाई झगड़े का बता दी। शिक्षा किस तरह की दी जाती है? शिक्षा ये इस तरह दे जाती है कि किसी का भेदभाव मत करो, संघ में रहो, जातिवाद मत करो। जातिवाद नहीं होता इसमें। जातिवाद नहीं होता? अरे होता इसमें, सब किसी घर में रोटी पानी खा सकते हैं। इसके अंदर रूल होता है कि आपको दलितों घर जाना पड़ेगा और खाना खाना पड़ेगा आरएसएस के अंदर। आरएसएस के अंदर। तो दोस्तों, एक आरएसएस के ऊपर से एक बहुत बड़ी बात हमें पता चली है कि यहाँ जो जातिगत भेद है उसको मिटाने के लिए आरएसएस काम कर रही है। और जैसे संदीप सोनी जी ने बताया कि दलितों के घर गए थे आप खाना खाने? 3 बार जाते हैं सर। बहुत सारी बार गए? 3 बार। संघ की एक कार्य प्रणाली है कि दलितों के घर जाना पड़ेगा आपको और उनको इन्वाइट भी करना पड़ेगा। आपको सब चीज करनी पड़ती है, आधी रात को भी जाना पड़ता है, कोई काम पड़े तो पहुँचना पड़ता है, सारी बीमारी सब में शामिल होना पड़ता है। देखिए, आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ये संदीप सोनी जी, इन्होंने मुझे आरएसएस से जुड़ी हुई जानकारी दी। मेरे साथ एक युवा साथी और जुड़े हुए हैं, उनको भी चाहूंगा मैं अपने नाम के अपनों। सविदत्त शर्मा जी। पना जी, ये भाई साहब संदीप शर्मा आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि हमारी क्लास होती है कि हम दलितों के घर जाए और उनको भी इनवाइट करें, ताकि जो जातिगत भेदभाव है सनातन धर्म के अंदर इसको मिटा दिया जाए। आप खुद पंडित जी हो, क्या ये पहल आरएसएस की तरफ से सही है? बहुत बढ़िया पहल है, बहुत बढ़िया पहल है, होनी चाहिए। जाति भेदभाव जब ही मिटेगा। तो आप भी जाते हो कभी दलितों के घर? बहुत बार। खाना वाना खाते हो? खाना भी खाया, रात दिन पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, भाई साहब एक मिनट आ जाओ, कुछ कह रहे थे आप, बड़ी बात बोल रहे थे। संगठित हिंदू समर्थ भारत, ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है इस देश में। संगठित मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो हैं, तो हम भी तो हो सकते हैं संगठित। वो संगठित है लेकिन हिंदू संगठित नहीं है। हम जाति वर्ग में बटे हुए ना, इसलिए। जाति तो मुस्लिम में भी होती है। नहीं, लेकिन वो नहीं समझते इस चीज को। बरेलवी रिजवी सब जानते हो आप? भी सब, हाँ सब जाते होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संगठित रहेंगे तो ही कामयाब होंगे। विधानसभा के चुनाव थे पिछली बार, और उससे पिछली बार साफिया जीती थी, अब की बार जुबेर जीते थे और उनकी अकाल मृत्यु हो गई किसी कारण से, हार्ट की बीमारी से, और वो चले गए। उनके बारे में मैंने घूमते फिरते एक बात पता करी कि बोला हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, इस बात में दम है नहीं है। जुबेर जी के जहाँ तक था ना, वो ठीक था। देखो, जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं नीचे स्तर पर, वो लोग खराब करते हैं, वो दिक्कत करते थे। ये अभी क्या उम्मीद है? देखो, हो सकता है अब दो ही पार्टी जब चुनाव लड़ते हैं, रामगढ़ में तो बीजेपी ही जीत के आई है हमेशा ही।
दो बार कांग्रेस जीती लास्ट बार। हाँ नहीं वो जीत का समीकरण क्या था ना, वो त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी हारती है, त्रिकोणीय युद्ध के अंदर बीजेपी धराशायी हो जाती है। और जब दोनों पार्टी चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी ही जी। कैंडिडेट कैसे हैं आप बीजेपी से बात कर रहे हो तो मैं सुखवंत जी के बारे में जानना चाहूँगा। वो भी नया चेहरा है और ये भी नया ही मानो, इनको दो बार इलेक्शन हार चुके हैं। तो दोनों के प्रति सिंपैथी है, एक तो दो बार हार चुका है, एक का पिताजी एक्सपायर हो चुका है। देखो जो स्टेट लेवल की सरकार होती है ना उसका भी थोड़ा होता है सर, आम पब्लिक ये देखती है कि भाई राज्य सरकार जो चल रही है उसी के पक्ष में माहौल बनता है ज्यादातर, ये देखा है हमने। पिछली बार अपने गांव में लगभग कितने वोट गिर रहे थे? यहाँ तो 150-200 ही जाते हैं कांग्रेस की, बाकी 90% पोलिंग बीजेपी बने हुए वोट। अच्छा एक बात, आपके गांव के अंदर बसें चलती है, रोडवेज बसें? यहाँ साधन सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। तो आपको उम्मीद रहेगी जो नव निर्वाचित विधायक बनेगा रामगढ़ का, आपके गांव कौन सा है गांव? मालपुरा गांव के अंदर रोडवेज बस चलाएगा, पार्क बनवाएगा, वाहनों के खड़ी करने के लिए पार्किंग बनवाएगा, ये सब होंगे काम? तो राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती हैं विकास स्तर। मैं तो विकास के मुद्दे पूछ रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं कर रहा। ये तो है ही नहीं, विकास स्तर के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, बैकवर्ड एरिया ही हमारा है ही कहाँ विकास। मीडिया आई थी पहले कभी गाँव में? मीडिया तो आई पहले भी आई थी, एक दफा यही आए थे वो साइनिंग के नाम से दिखे मेरे हिसाब से। तो आपकी आवाज सुनी थी उन्होंने, चलाई थी वो सबकी? हाँ सब दिया था उन्होंने, वो भी आया चलाई थी आप। इस गांव की पिछड़ने की कारण क्या है? सुविधा नहीं है इस गांव में, साधन सुविधा नहीं है। जैसे मान लो कोई लड़कों के रिश्ते वगैरह भी नहीं आ पाते हैं वैसी कास्टों में, ये सबसे मेन चीज। लाइट की पानी की व्यवस्था भी ठीक है, कर लेते हैं खाना पूर्ति भी आते हैं, लेकिन वो नहीं है परमानेंट व्यवस्था नहीं है पानी की, बढ़िया व्यवस्था नहीं है, स्थायी व्यवस्था जिसको कहते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा मैं, और भी जो लोग ये भाई साहब जुड़े हुए थे, इधर आओ। कैसे भाग रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, मैं ना पूछूं आपसे वोट किसने दोगा, के काम करो आप? जमींदारा कर, जमींदारा काम करो। खाद बीज का रेट के है? खाद बीज जो मनमानी करते हैं वो ले लेते, किसान तो यही करता है। तो यहाँ अड़ोस पड़ोस में मंडी है बेचने खातर सामान? क्यों नहीं, गोविंदगढ़ बड़ौदा जाते हैं, अलवर के बड़ौदा के। अलवर कितनी दूर पड़ता है? 36 किलोमीटर। और बड़ौदा में 30 किलोमीटर? 12-14 किलोमीटर पड़ जाएगा। 14-15 किलोमीटर है बड़ौदा में? 12 किलोमीटर मंडी तो है ना वहाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत ना, 15 किलोमीटर में तो मंडी है। फसल वसल का सही दाम मिल जाता है एमएसपी पे? बड़े मिल जाता है बड़ौदा। अपने गाँव यही है अपना, बस चलती है अपने गाँव तो? कोई बस नहीं, हमने तो आज तक देखी नहीं हमारी उम्र। पार्क वार्क बना हुआ है गाँव? कुछ भी नहीं बना है। और पार्किंग ये गाड़ी वाड़ी खड़ी करने खातर कुछ भी नहीं है? तो कभी कहीं ना ये वोट मांगना आवे जिनसे? सब ऐसे चढ़ा जाते हैं, हाँ सब ही कर देते, कोई नहीं करवा देंगे, करवाता कोई नहीं है। तो दोस्तों रामगढ़ विधानसभा के मालपुरा गाँव के ये जो ग्रामीण थे, इन्होंने बताया कि यहाँ के जो सूरत हाल है, ना तो बस चलती है, ना पार्क है, ना पार्किंग है, और स्थितियाँ बहुत खराब है। यहाँ एक सड़क निकली उसके बाद से यहाँ का जो रोजगार है वो भी छिन गया यहाँ के लोगों का। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।